तो बादलों की तलाश में दूर तक गया गली गली घूमता हुआ कच्ची कोया तक पहुंचा वहां से कच्चे रस्ते पर पड़ लिया और खेत खेत चलता चला गया मुखालिफ सम से एक घसियारा घास की गठड़ी सर पर रखे चला आ रहा था उसे उसने रोका और पूछा कि इधर बादल आए थे बादल घसियारी ने इस ताजुब से कहा जैसे उससे बहुत अनोखा सवाल किया गया हो हां बादल और जब घसियारे की हैरत में कोई कमी ना आई तो वह उससे मायूस हुआ और आगे चलकर उसने खेत में एक हल चलाते हुए किसान से यही सवाल किया इधर बादल आए थे किसान के समझ में भी ये सवाल ना आया उसने सटपटाकर कहा बादल हां बादल असल में वह बादलों के मुतालिक ऐसे पूछ रहा था जैसे ढूंढने वाला राह चलते हुए उसे गुम हो जाने वाले बच्चे के मुतालि पूछता है शायद बादल भी गुमशुदा बच्चे थे कि वो उन्हें ढूंढता फिर रहा था और हर राह चलते से पूछ रहा था मगर किसी ने उसे तशफी बख्श जवाब नहीं दिया सबसे पहले आज सुबह उसने अम्मा जी से सवाल किया था अम्मा जी बादल कहां गए कौन कहां गए अम्मा जी ने उससे ऐसे पूछा जैसे उसने बहुत अहम सवाल किया था बादल बादल अरे तेरा दिमाग चल गया है जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो नाश्ता कर और स्कूल जा अम्मा जी के इस अंदाज बयान ने उस पर एक नाखुशगवार असर छोड़ा उसने बेदिली से हाथ मुंह धोया नाश्ता किया और किताबों का बैग गले में डाल स्कूल के लिए घर से निकला मगर घर से निकलते ही उसके जहन में फिर वही सवाल उभरा बादल कहां गए और इसके साथ उसे रात को वो वक्त याद आया जब उसने बादल उमड़ते गरजते देखे थे जब वो सोने लगा था उस वक्त आसमान बादलों से खाली और सितारों से भरा हुआ था हवा बंद थी और गर्मी से नींद नहीं आ रही थी उसे मुश्किल से नींद आई फिर जाने क्या वक्त था कि उसकी आंख खुल गई जो वक्त भी हो उसके लिए वो आधी रात थी दूर आसमान पर बादल एक गरज के साथ उमड़ रहे थे बीच बीच में बिजली चमकती और इस चमक में वो बादल बहुत काले काले नजर आते उसे लगा कि बहुत जोर की बारिश आएगी मगर इसमें नींद कितनी खराब होती बस इसी अंदेशे से उसने आंखें बंद कर ली ऐसे हो गया जैसे उसे खबर ही नहीं है कि बादल गरज रहे हैं सो गया सुबह जब उठा तो हैरान रह गया आसमान बादलों से बिल्कुल खाली था और सहन में बूंदे पड़ने के कोई आसार नहीं थे उसे पहले ताज्जुब हुआ फिर अफसोस हुआ ताज्जुब इस पर के बादल इतने उमड़ घमंड आए थे और बरसे नहीं फिर गए कहा अफसोस इस पर के वो सो क्यों गया जैसे वो जागता रहता तो बादल आंखों से ओझल न हो पाते और फिर बरस कर ही रह जाते वो बारिश हो जाती तो मौसम की पहली बारिश होती मगर उसके सोते हुए बादल घिर कर आए और चले गए बारिश की कोई बूंद नहीं पड़ी बरसात का मौसम खाली गुजरा जा रहा था उसने चलते चलते एक बार फिर आसमान का जायजा लिया दूर तक कोई बादल नहीं था खाली आसमान में सूरज ऐन उसके सर पर चमक रहा था वो स्कूल का रास्ता छोड़कर खेतों में निकल गया खेतों के बीच पतली पतली बट्टियों पर होता हुआ वो दूर निकल गया धूप बहुत तेज थी उसका बदन फूंकने लगा खल खुश हो गया कई खेत पार करने के बाद घनी छांव वाला एक पेड़ दिखाई दिया कि उसकी छांव में कुआं चल रहा था गोया रेगिस्तान में चलते चलते नखलिस्तान आ गया उसने दरख्त की छांव में पहुंचकर किताबों का बैग एक तरफ रखा कुएं के पास पहुंचकर रहट से निकलते हुए पानी से पैर धोए हाथ मुंह धोया और फिर जी भरकर पानी पिया मुंह हाथ धोकर पानी पीकर आंखों में ठंडक और रोशनी आई अब उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया कुएं के पास ही टूटे से मोठे पर एक बड़े मियां हुक्का पी रहे थे उसने कई मरतबा बड़े मिया की तरफ देखा कुछ कहना चाह मगर फिर हिम्मत छोड़ बैठा आखिर उसने हिम्मत बांधी और बोला बड़े मिया इधर बादल आए थे बड़े मिया ने हुक्का पीते पीते उसे गौर से देखा फिर बोले बेटा बादल छुप कर तो नहीं आएंगे जब घिर कर आएंगे तो आसमान जमीन को पता चल जाएगा मगर रात तो बादल आए थे और किसी को पता ही ना चला रात तो बादल आए थे बड़े मियां ने कुछ सोचा फिर ऊंची आवाज से अल्लादीन से मुखातिब हुए अल्लाह दीन रात बादल आए थे अल्लादीन बैलों को हांकते हांकते रुका बोला मैं तो जी रात खाट पे पीट लगाते ही सो के आता मुझे पता नहीं फिर बड़े मियां बोले बेटा बादलों के खाली आने से कुछ नहीं होता मैं ऐसे इलाके में रह चुका हूं जहां दस साल बारिश नहीं हुई थी दस साल से उसका मुंह खुला का खुला रह गया हां दस साल से मगर बादल आते थे मैं जिन दिनों वहां था उन दिनों भी एक दफा बादल बहुत घिर के आए थे मगर पानी की एक बूंद नहीं पड़ी अजीब बात है अजीब बात कोई नहीं बारिश उसके हुक्म से होती है उसका हुक्म होता है तो बादल बरसते हैं उसका हुक्म नहीं होता तो बादल नहीं बरसते बड़े मियाँ के इस बयान के साथ साथ उसके तस्वर में पिछली मुख्तलिफ घटाएं मंडाई वो घटाएं जो घटाटोप तो अंधेरे के साथ उठी जैसे बरसकर जल थल कर देंगी मगर भूम बरसाए बगैर गुजर गई वो घटाएं जो चंद बेमानी सी बदलियों की सूरत में आईं और ऐसी बरसी कि ताल तलियां उमंड आई बड़े मियां ने तपते आसमान की तरफ देखा फिर बड़बड़ाए मौसम गुजरा जा रहा है पता नहीं उसका हुक्म कब होगा जवाब में वो भी बड़बड़ाया मैं बरसता ही नहीं पता नहीं बादल आके कहां चले गए बेटा क्या बरसे बरसेगा तो खबरें आने लगेंगी कि सैलाब आ गया आसमान बकील हो गया जमीन में जर्फ नहीं रहा बारिश होती ही नहीं होती है तो सैलाब उमट पड़ता है बड़ी मियाँ की बातें उसकी समझ में कुछ आई कुछ ना आई वो बैठा सुनता रहा फिर अचानक उसे ख्याल आया कि बहुत देर हो गई है किताबों का बैग गले में डालकर उठ खड़ा हुआ मिट्टी धूल और धूप में वो देर तक चलता रहा जिन रास्तों से आया था उन्हीं रास्तों पर लौट रहा था धूप अब भी तेज थी मगर जब वो कच्ची कोया के पास पहुंचा तो उसे लगा कि हवा में एक ठंडी लकीर सी तैर गई है और कदमों के नीचे मिट्टी कुछ सीली सीली है बस्ती में दाखिल होते हुए उसने देखा कि रास्ता यहां से वहां तक गीला है दरख्त कि उसके जाते वक्त रोज की तरह धूल में अटे खड़े थे अब नहाए धोए नजर आ रहे हैं और नाला के पिछली बरसात के बाद से खुश्क चला आ रहा था रवा हो गया है खुशी की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई अब उसे घर पहुंचने की जल्दी थी वो देखना चाहता था कि उसके सेहन में जो जामन का पेड़ खड़ा है वो कितना तरोताजा हुआ है घर पहुंचकर उसने फजा को बारिश के हिसाब से बदला हुआ पाया जामन के बहुत से पत्ते नीचे गिरे पड़े थे और कीली मिट्टी में लतपत थे बाकी दरख्त नहायत होया खड़ा था और अम्मा जी एक आसूदगी के ले में कह रही थी अच्छी बारिश हो गई अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा तो गर्मी से दम उलटने लगा था जामन की टहनियों से बूंदे अभी तक टप टप गिर रही थी वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बूंदों को अपने सर पर और अपने गानों पर लिया उसकी नजर आसमान पर गई आसमान धुला धुला नजर आ रहा था अब वहां कोई बदली नहीं थी उसे ख्याल आया कि वो बादलों की तलाश में धूप और धूल में कितनी दूर तक गया और बादल उसके पीछे आए और बरसकर चले भी गए इस खयाल ने उसे उदास कर दिया बारिश में भीगी सारी फजा उसे बेमानी नजर आने लगी